दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि देवउठनी 11 से सभी शुभ कार्यों और शादियों का सीजन स्टार्ट होता है, तो मैं भी दिवाली के लंबे ब्रेक के बाद शुभ कार्य की शुरुआत करने के लिए लेकर आई हूँ आरती की थाल। तो फ्रेंड्स, मैं आरती जैन आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल आरती क्रिएटिव वर्ल्ड में। चाहे कोई भी शुभ कार्य हो या शादी विवाह का कार्य, हमें आरती थाल की आवश्यकता हमेशा ही पड़ती है। और जिसके भी घर में शादी फिक्स होती है, उसके लिस्ट में सबसे ऊपर नाम आरती थाल का ही होता है। वैसे तो मार्केट में बहुत तरह तरह की रेडीमेड आरती थाल अवेलेबल है, बट अपने हाथों से बनी आरती थाल की बात ही निराली है। इस आरती थाल को मैंने पूरी तरह से DIY करके बहुत ही इजी ढंग से बनाने की कोशिश की है, इसलिए मेरे वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक बने रहिएगा। इसे मैंने कैसे बनाया है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आरती थाल बनाने के लिए हमें इस तरह की थाली की आवश्यकता है जिसकी किनारी थोड़ी बाहर की तरफ निकली हो। छोटी बड़ी थाली आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैंने एक पतला व्हाइट चार्ट पेपर लिया है जिसके दोनों साइड के किनारे पर लगभग 2 इंची की जगह छोड़कर हम अपनी थाली को रखकर गोल सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब जितनी भी हमारी थाली में किनारी बाहर की साइड निकली है, उतनी दूरी पर एक सर्कल और बनाएंगे। अब पेपर को सर्कल से हाफ फोल्ड करेंगे और जो भी डिजाइन हमें चाहिए उसे हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे। मैं यहाँ मोर की आकृति ड्रॉ कर रही हूँ। दोस्तों, मार्केट में जो MDF की कटिंग की हुई थाल मिलती है, उसी को मैंने DIY करके बनाने की कोशिश की है। वैसे तो हम मार्केट से रेडीमेड थाल भी ला सकते हैं, बट जितना हम अपने हाथों से बनाने की कोशिश करते हैं, उतनी ही हमारी प्रैक्टिस होती है और हमें नई नई चीज बनाने का आइडिया भी मिलता है। वही बताने की मैंने यहाँ कोशिश की है। जो इस प्रकार से ड्रॉ नहीं कर पाए, वो इस प्रकार से किसी गोल कैप को रखकर एक बराबर सर्कल या फिर एक बड़ा और एक छोटा सेमी सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। जिससे एक फ्लावर जैसी आकृति बनके तैयार हो जाएगी। चाहे तो आप पेटल का शेप भी दे सकते हैं। बट मैंने यहाँ जो मोर का शेप ड्रॉ किया है, हम उसकी कटिंग करेंगे इस प्रकार से। हमें एक कार्डबोर्ड की आवश्यकता रहेगी। पेपर कटिंग हमने कर ली है। पेपर कटिंग पर अब हम सभी जगह ग्लू लगाएंगे। इसे कार्डबोर्ड पर रखकर अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब इस तरह से किसी नाइफ की हेल्प से हमें डिजाइन की आउटलाइंस पर कटिंग करनी है। कटिंग हमें बहुत ही सावधानी से करनी है। कार्डबोर्ड की कटिंग करने का मेन तरीका ये है कि कार्डबोर्ड बीच से होलो होता है और उसके ऊपर और नीचे का भाग हार्ड होता है,
इसलिए सबसे पहले हम नाइफ से कार्डबोर्ड के ऊपर की साइड की पूरी कटिंग करेंगे, फिर नाइफ को इस प्रकार कार्डबोर्ड के नीचे की साइड डालकर कटिंग करेंगे। इस प्रकार की कटिंग करने से बहुत ही आसानी से कटिंग हो जाती है। अब हम थाली के किनारे पर फेवी बॉन्ड अच्छे से लगाएंगे और कार्डबोर्ड की कटिंग को हम थाली पर अच्छे से पेस्ट कर देंगे। अब एक बॉल में 3 टीस्पून व्हाइट सीमेंट और 1 टीस्पून फेविकॉल मिलाएंगे और पानी डालकर सेमी लिक्विड पेस्ट बनाएंगे और इसे पूरी थाल में पीछे और आगे की साइड लगाएंगे। कार्डबोर्ड की एजेस पर अच्छे से फिल करेंगे, हल्का सा ब्रश में पानी लगाकर स्मूथ करेंगे। जब अच्छे से ड्राई हो जाए तब सैंड पेपर से घिसकर चिकना करेंगे। बहुत ज़्यादा घिसने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब वाइट फैब्रिक कलर से हम पूरी थाली पर एक बेस कोट करेंगे। और जो डिज़ाइन हमने ड्रॉ की है उसकी हम डिटेलिंग करेंगे। कलरिंग मैं कैसे कर रही हूँ वो तो आपको दिख ही रहा है। सभी जगह मैंने फैब्रिकल के फैब्रिक कलर का यूज किया है। कलर आप अपने मन पसंद कलर कर सकते हैं। बस सेंटर में ही मैंने व्हाइट बेस लगाकर ब्लू कलर से इस प्रकार से शेडिंग दी है। गोल्डन पर्ल मेटेलिक कलर से हम कार्डबोर्ड के एजेस को कलर करेंगे। अब हमें इस प्रकार के गोल्डन 3D आउटलाइनर या कोन की आवश्यकता है, जिससे हम इस प्रकार की से एक फ्लावर बनाएंगे और उसे फिल करेंगे। सभी जगह हमें गोल्डन से ही आउटलाइनिंग करनी है। अब रेड कलर में ही बहुत ही हल्का सा ब्लैक कलर मिक्स करके फ्लावर्स में शेडिंग देंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से करना है हमें ये। इसी प्रकार से हम डार्क ग्रीन से लीव्स में भी शेडिंग देंगे। अब डार्क मैरून या ब्लैक कलर से हमें सभी जगह की आउटलाइनिंग करनी है। सभी फ्लावर्स और लीव्स में जहाँ भी हमने कोन चलाया है
वहाँ कोन की दोनों साइड की आउटलाइनिंग हमें करनी है। जिनको मेहंदी के कोन चलाने की अच्छी प्रैक्टिस हो वो ब्लैक कोन से भी आउटलाइनिंग कर सकते हैं, बट पतले राउंड ब्रश से ज़्यादा अच्छी फिनिशिंग आती है। इस तरह से सभी जगह लगभग मैंने आउटलाइनिंग कर ली है, मोर की आईज भी बना ली है। बाकी छोटी छोटी डिटेलिंग तो आपको खुद ही दिख रही है। अब एक पेपर पर हम स्वास्तिक की डिजाइन ड्रॉ करके कटिंग कर लेंगे और उसे थाली के सेंटर पर रखकर ड्रॉ करेंगे। यहाँ मैंने स्वास्तिक के येलो, ऑरेंज और रेड कलर से शेडिंग दी है। जो शेडिंग नहीं कर पाए वो प्लेन कलर करके आउटलाइनिंग भी कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि मेरी किसी भी कलरिंग में व्हाइट और ब्लैक कलर का यूज हमेशा ही होता है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये दोनों कलर किसी भी चीज में जान डाल देते हैं। अब आप खुद ही देखिए कि ब्लैक आउटलाइनिंग करने से पूरी थाली में कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है, और व्हाइट कलर के छोटे छोटे फूल और ये छोटी छोटी डॉट्स मेरी थाली को कितना अट्रैक्टिव बना रही हैं। डॉट्स को आप ब्रश या फिर टूथपिक से बना सकते हैं। अब कार्डबोर्ड से ही हम छोटे छोटे चार सर्कल ड्रॉ करेंगे और उसे कट करेंगे। अब शादी की थाल में एक छोटा लोटा, दिया और रोली चावल की कटोरियां तो होती ही हैं, तो चलिए उसे भी रेडी कर लेते हैं। यहाँ मेरे पास दो हींग की खाली डब्बियां रखी थी, जिनको इस प्रकार से कार्डबोर्ड लगाकर हम डेकोरेट करेंगे। उसके ऊपर मैं ये फेविकॉल की बोतल का कैप लगा रही हूँ। कार्डबोर्ड को डब्बी से पेस्ट करेंगे। Thank you.
कार्डबोर्ड की एजेस पर हम इस प्रकार से पेपर टेप लगाकर उसके होल्स को कवर कर देंगे। और पूरे में वाइट बेस कलर करेंगे। लोटे के बीच में बॉर्डर की लाइंस बनाने के लिए हम पेपर टेप को गोलाई में लगाएंगे और दोनों साइड स्केच पेन से आउटलाइनिंग बनाएंगे, जिससे हमारी आउटलाइनिंग एक बराबर हो। अब हम टेप को निकाल देंगे। और कलरिंग करेंगे। इस पर हम रेड, ऑरेंज और येलो से इस प्रकार ब्रश से स्ट्रोक देंगे, जिससे ये कलावा या मौली का लुक देगा। ब्लैक से आउटलाइनिंग करेंगे। ऊपर की साइड में गोल्डन पर्ल मेटेलिक कलर करेंगे। इसकी हमें 2-3 कोटिंग करनी पड़ेगी, तभी अच्छा गोल्डन लुक आएगा। इसी प्रकार से दिया और रोली चावल की डब्बी भी कलर करेंगे। कलरिंग और आउटलाइनिंग वैसे ही करेंगे जैसे हमने थाली में की है। ये देखिए, हमारा लोटा, दिया और रोली चावल की डब्बी भी रेडी हो गई है। लग रही है ना बिल्कुल सुंदर। अब हम इस पर अच्छे से क्लियर वार्निश करेंगे, या फिर इस तरह का वार्निश का स्प्रे पेंट आता है उसे करेंगे। मैं इसे इस पर स्प्रे पेंट कर रही हूँ। इसकी जितनी हम थिक कोटिंग करेंगे उतना ही अमेजिंग शाइनिंग आएगी, और ये बिल्कुल भी वार्निश की तरह स्टिकी भी नहीं होता है। अच्छे से ड्राई होने के बाद हम इस प्रकार छोटे छोटे कुंदन या स्टोन लगाएंगे। छोटे छोटे स्टोन्स को लगाने का बेस्ट तरीका ये है कि हम फिंगर पर हल्का सा ग्लू लगाएं और ब्रश के बैक साइड पर इस ग्लू को हल्का सा लगाकर एक एक कुंदन को इस प्रकार से प्लेस करते जाएंगे। इस प्रकार थाली, लोटे, दिया और रोली चावल की डब्बी सभी को हम कुंदन से सजाएंगे। अब दोस्तों, एक बात मुझे सच्ची सच्ची बताइएगा कि आपको मेरी आरती थाल कैसी लगी। थोड़ी मेहनत जरूर लगेगी, बट मेहनत का फल सब्र के फल की तरह हमेशा मीठा होता है। अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक दीजिएगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा। ये थाल देखने में जितनी खूबसूरत लगती ही है, साथ ही उतनी ही ड्यूरेबल भी है। बस एक गीला कपड़ा मारेंगे और साफ हो जाएगी। क्यों दोस्तों, देखने में जितनी टफ लग रही थी, है ना एकदम सिंपल। दोस्तों, हर बार आपने मेरे झटपट बनने वाले और जिसे बिगनर्स बना सके ऐसे वीडियो देखे और उसे आपने बहुत पसंद भी किया। इस बार का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि इस बार का वीडियो बहुत ही पेशेंस से बनने वाला था। जो बनके कितना खूबसूरत लग रहा है ये आपने खुद ही देख लिया होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये मेहनत वाकई में अच्छी लग रही हो तो मुझे आपका एक बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए कि आप मेरे वीडियोस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा
और मेरे वीडियो को एक लाइक देकर मेरा हौसला बढ़ाएगा। थैंक यू।